हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्या और आप देख रहे हैं m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक में देखा था, हमने चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी और आपका फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी। और आज हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो बात आप खुद जानते हैं, तो बेसिक वाला वीडियो आप जाकर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, लेकिन आज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें, जो इसमें थोड़ी बहुत बातें की थी, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया था, तो आज फिर से हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो इसमें क्या दिया जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी एक इंडिविजुअल पेरेंट, यहाँ पे देखिए, इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इसमें जो भी एक इंडिविजुअल पेरेंट रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है, इतना ही दिया गया है। फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट द प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल आर टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दियर पेरेंट। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो इंडिविजुअल पेरेंट की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो अपने पेरेंट की क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई वो अपने पेरेंट की क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। और क्या होता है, आर दीज ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकली और डिफरेंट। तो इसमें क्या दिया गया है, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या यह ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली सेम होती हैं या जेनेटिकली या दिखने में डिफरेंस होती हैं या सेम होती हैं। तो ये सारी बात जान दीजिए आप यहाँ से देखिए, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली, क्या था यहाँ पे, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लोन वर्ड का यूज आप कहाँ यूज करते हैं, क्लोन वर्ड का यूज आप तब यूज करते हैं जब आपकी ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और दिखने में, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, तब आप वर्ड यूज करते हैं क्लोन। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्लोन वर्ड यूज करते हैं। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, तो वहाँ पे आप क्लोन वर्ड यूज करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, और जहाँ तक रही बात फिगर की, तो फिगर हमने आपसे लास्ट वीडियो में दोनों फिगर की बात की थी, तो अभी हम चलते हैं आगे। जो फिगर 1.3 के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे थे, तो देखिए ये क्या है, जो इस ये फर्स्ट फिगर देखिए, ए नंबर पे जू स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, फिर उसके बाद है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, और ये देखिए यहाँ पे हाइड्रा से छोटे छोटे क्या निकल रहे हैं, बड हाइड्रा से, और फिर उसके बाद ये जेम्यूल है स्पॉन्ज के। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने जैसे आपसे कहा कि ये आपके फंजाई वगैरह क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई, इनमें क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिससे ये जनन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जी स्पोर क्लेमाइडोमोनास, यहाँ जी स्पोर से आपके नए क्लेमाइडोमोनास निकल रहे हैं, यहाँ पे ये कोनिडिया है, और देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रा का नया बर्ड निकला, यहाँ से एक नया हाइड्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको फिगर समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं आपके चैप्टर पे। तो देखिए जैसा कि आपसे यहाँ पे बात किए थे, अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड, हाइड्रा, जेम्यूल, कहाँ होता है, जेम्यूल्स कहाँ होता है, स्पॉन्ज में होता है। तो आपको ये सारी बातें आई थिंक समझ में आ गई होगी। फिर से हम देख लेते हैं, मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये वही बात कही गई है जैसा कि अभी आपने स्पॉन्ज में देखा, हाइड्रा में देखा, क्लेमाइडोमोनास में देखा, पेनिसिलियम में देखा, एक स्पेशल टाइप का आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या कह रहा है फिगर 1.3 फिगर में, अभी आपने देखा, जो आपकी बुक में है आप अपनी बुक में देख सकते हैं, द मोस्ट कॉमन ऑफ द स्ट्रक्चर आर जू स्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक। तो
आपका ये जो द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जू स्पोर, तो ये जो इस जो जू स्पोर का आपका स्ट्रक्चर है ये मोस्ट कॉमन होता है। और जू स्पोर ये क्या होता है, जू स्पोर मीन्स चल बीजाणु, दैट इज यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। तो जू स्पोर की हिंदी मैंने क्या बताई, चल बीजाणु, मीन्स ये जू स्पोर जो है मोटाइल होता है, मोटाइल मीन्स गमनशील। अब और क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए क्या होता है माइक्रोस्कोपिक। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड्स कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है, जेम्यूल कहाँ होता है, स्पॉन्ज में होता है, ये भी आपने फिगर 1.3 में देखा। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं दिया गया है, सारी बातें आपने 11th में अच्छे से पढ़ी हैं, तो ये इतना आप खुद जान रहे हैं, आप इसको देख लेंगे आराम से। तो आगे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ से वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल, यहाँ से देखिए आपको क्या बताया गया कि आपने एसेक्सुअल वर्ड जो है जीवों पर, जैसे मोस्टली प्लांट, आपने ऑर्गेनिज्म के लिए एसेक्सुअल वर्ड तो सुना होगा, लेकिन मोस्टली क्या है, आपने किसके लिए सुना होगा एसेक्सुअल वर्ड जो है, प्लांट्स के लिए ज़्यादातर आपने क्या सुना होगा, एसेक्सुअल वर्ड ज़्यादा यूज किया होगा, एसेक्सुअल। ओके, फिर उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जैसे ये जो है क्या होता है, सच एज रनर, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें क्या है, देखिए जैसे आपका राइजोम हो गया, सकर्स हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया, आर कॉल्ड कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। और ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, जैसे राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाते हैं। ठीक, यस, ऑब्वियसली वी कैन से दैट सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इज एसेक्सुअल। ये बातें आप नोट कर लीजिए, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए और फिर अब हम आगे चलते हैं, ये इतना आपका क्लियर हो गया होगा, हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या किसके बारे में बताया गया, वाटर हाइसिंथ के बारे में बताया गया। तो वाटर हाइसिंथ को आप क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात तो आप देख लीजिए कि ये जो है एक एक्वेटिक प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट, और ये क्या होता है कि बहुत ही ढीठ होता है, कि इरिटेटिव प्रोपागेशन होता है, और एक ये एक्वेटिक प्लांट है, और ये क्या करता है, ये एक्वेटिक प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब उसमें ग्रो करता है, ये एक इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेरीवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। और ये जिस वाटर में रहता है, जहाँ भी रहता है, जिस वाटर में होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और क्या करता है कि सबसे बड़ी बात इसमें आपको वाटर हाइसिंथ को क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, और ये एक एक्वेटिक प्लांट है, और ये एक मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेरीवर दीज आर स्टैंडिंग वाटर। ये सारी बातें आप नोट करते चलिए, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज। तो ये बातें हमने आपको बताई थी कि और ये जिस वाटर में रहता है वहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो जिससे क्या होता है कि वहाँ की फिशेज जो होती हैं वो एक्सपायर कर जाती हैं। तो इतने में आपको बस इतनी बातें दी गई थी, और यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपकी चैप्टर 13 या 14 में आपको आगे देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सिंस इट कैन प्रोपागेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट ऑफ द स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइट ऑफ देम। तो इसके बारे में अभी मैंने आपसे पहले इसको हमने पहले बताया था कि इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ढीठ टाइप का होता है, मतलब इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, और ये जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, तो जिससे पूरे तालाब को बहुत जल्दी घेर लेती हैं, और पूरे तालाब में ऐसे ऐसे फैली रहती हैं। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन को भी सोख लेती हैं, तो जिससे मछलियाँ जो हैं वहाँ की ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं, तो मछलियाँ मर जाती हैं। और ये
अगर ये एक बार किसी तालाब में आ गया तो इससे जो है छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पूरे तालाब में ऐसे ऐसे फैली होती हैं। तो ये इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तो अभी हम यहाँ से बात करते हैं, आर यू अवेयर हाउ टू प्लांट लाइक पोटैटो, सुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहलिया, इसके बाद रुकिए देखिए इसको कट करें तो क्या है, जिंजर है, डहलिया आर कल्टिवेटेड। तो इसमें क्या कहा गया, कुछ नहीं कि मतलब आप क्या, आपको पता है कि इसमें बस इतना कहा गया, आर यू नो अवेयर हाउ टू प्लांट लाइक पोटैटो, सुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहलिया आर कल्टिवेट। तो आपको कैसे क्या आपको पता है कि इसकी सबकी खेती कैसे की जाती है? तो अभी आपसे जैसे इसमें पूछा गया है कि इसकी कल्टिवेटेड कैसे किया जाता है, डहलिया, सुगर कैन, बनाना, जिंजर। तो देखिए अभी हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है इसकी खेती के बारे में। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। आपको कुछ फिगर दिया गया है, उसमें बनाना और जो है जिंजर, पोटैटो के ट्यूबर, राइजोम वगैरह दिखाए गए हैं। अभी हम आपको फिगर में दिखाते हैं। वेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द, जब आप इसको क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे, जैसे आपकी ये एबव लिस्टेड क्या है, पोटैटो, सुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहलिया, कल्टिवेटेड, आप जब इन सारे प्लांट्स को देखेंगे तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि इसमें जो है आपको क्या प्रेजेंट मिलेगा, नोट्स प्रेजेंट मिलेंगे। क्या प्रेजेंट मिलेंगे? नोट्स प्रेजेंट मिलेंगे। और यही नोट्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट या स्टेम को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, ये नोट्स क्या करते हैं जो इस पे नोट्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा, वरना बहुत, क्योंकि ये नोट्स जो है बहुत छोटे छोटे नोट्स होते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो है ये जो नोट्स प्रेजेंट होते हैं ये न्यू प्लांट को मॉडिफाइड करते हैं। अच्छा, हम अभी आपको आपकी बुक के फिगर में दिखाते हैं। देखिए ये रहे, देखिए ये जो है आपका पोटैटो, इसमें छोटे छोटे बड निकले, जिसको आप क्या कहते हैं, बड, वो आइज ऑफ पोटैटो कह सकते हैं। ये देखिए आई बड, ये छोटे निकले हैं। और ये रही आपके जिंजर, जिंजर में जो है छोटे छोटे बड निकले हुए यहाँ पे देखिए बड। और फिर उसके बाद और आपके जो ये सारे डहलिया है, इसमें सारे देखिए छोटे छोटे बड निकले हैं, ये रहा। और इसमें भी ऑफसेट निकला है इधर देखिए यहाँ पे। तो ये रहे आपके सारे फिगर। और फिर तो देखिए अभी आगे चलते हैं, नोट्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट। तो ये यहाँ तक तो आपने देख लिया कि क्या होता है इससे, इस नोट्स से क्या होता है, स्टेम और प्लांट्स मॉडिफाइड होते हैं। व्हेन द नोट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द डैम सेल, तो ये क्या करते हैं, जब ये सारे नोट्स जो है सॉइल या जो है वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जब ये नोट्स जो है सॉइल या वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड ए न्यू प्लांट्स। ओके, सिमिलरली एडवेंट, तो अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ तक तो बस इतना था। और फिर अब आगे देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे कुछ नहीं नोटिस कर, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, इसमें जो है सिर्फ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो है रिप्रोडक्शन का जो सामान्य विधि है, मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है रिप्रोडक्शन की सामान्य विधि, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक एल्गी एंड फंजाई। दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट एडवेंचर कंडीशन, जब ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल, इसमें कुछ नहीं दिया गया, बस आपसे कुछ बातें पूछी गई हैं, ये आप देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। फाइंड आउट द हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल, यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ वैसे कुछ खास नहीं दिया गया है। व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉरवर्ड अंडर सच कंडीशंस, एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिट बाय द हायर प्लांट्स, ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट एनिमल। तो इसमें क्या कहा गया है, जो मतलब सिर्फ इतना कहा गया है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उन हायर प्लांट्स में क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मतलब आप देख सकते हैं, लेकिन जो
ऑर्गेनिज़म्स होते हैं आपके जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो है रिप्रोडक्शन की केवल एक और एक विधि होती है, उसमें सेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। क्या कहा गया देखिए, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ एनिमल्स। और प्लांट्स के लिए क्या क्या कहा गया है, आपके जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स के लिए आपके कहा गया है कि में आपका क्या होता है, हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव होता है, एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिट बाय द हायर प्लांट्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।